भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और प्रवेश लाल यादव, जी हाँ ये दोनों भाई हैं। और आपको बता दें कि जब काजल राघवानी की शो कुछ खट्टी कुछ मीठी में जब प्रवेश लाल यादव आए तो ये शो में चार चांद लग गया। इस शो में वो हुआ जो अब तक भाई काजल राघवानी के किसी शो में नहीं हुआ। इस शो को जिसने देखा वो शुरू से लेके अंत तक बस हंसता गया। और हंसना भी किस बात के लिए भाई, इन दोनों भाइयों की ऐसी ऐसी बातें सामने आई कि जिसे सुनने के बाद हर कोई हंसा। फिर वो चाहे काजल राघवानी ही रही हो या फिर आम्रपाली दुबे, दिनेश लाल यादव, अक्षराज सिंह और जितने भी इनके साथ लोग जुड़े, इनकी मस्ती को सभी ने एंजॉय किया। अगर आपने एंजॉय नहीं किया है तो भाई हम आपको कहेंगे आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। हम आपको बता दें कि इस लाइव चैट में क्या क्या हुआ। इस लाइव चैट में ये हुआ कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और प्रवेश लाल यादव एक ही लड़की पे फिदा थे। जी हाँ, बात तब की है जब प्रवेश लाल यादव क्लास 10th में थे और एक लड़की को बहुत पसंद करते थे और वो चाहते थे कि वो किसी तरह उनसे पट जाए, यानी कि वो उसे लाइन बहुत मारते थे और ये चाहते थे कि किसी तरह वो उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए। और सेम टाइम पर उसी लड़की को दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पटा लिया। फिर प्रवेश लाल यादव उनका मुंह देखते रह गए। उसके बाद में जब दिनेश लाल यादव निरहुआ प्रवेश लाल यादव को उदास हुआ और उनका मुंह बना हुआ देखे, तब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने ये दलील दी कि भाई प्रवेश, तुम्हारा तो 10th है और अगर तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा तो तुम 10th फेल हो जाओगे, इसीलिए तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगा रहे इसलिए मैंने इस लड़की को पटा लिया। तब तो प्रवेश लाल यादव को बुरा लगा था, लेकिन भाई बड़े भाई हैं दिनेश तो करते भी क्या प्रवेश। उस वक्त तो प्रवेश लाल यादव को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब बड़े भाई ठहरे दिनेश लाल यादव, उनके लिए तो इतनी सैक्रिफाइस प्रवेश लाल यादव दे ही सकते थे। लेकिन इन किस्सों को याद करके दिनेश और प्रवेश लाल यादव खूब हंसे और लोगों को हंसाया भी। साथ ही साथ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने प्रवेश लाल यादव की तारीफ करते हुए ये कहा कि जिसके पास भी प्रवेश लाल यादव जैसा भाई है वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। प्रवेश लाल यादव जैसा भाई पाकर मैं गर्वान्वित हूँ। मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में प्रवेश लाल यादव मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। प्रवेश लाल यादव के तरक्की के लिए मैं यही कामना करूंगा कि वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और जिस भी सफलता को वो हासिल करना चाहें अपने जीवन में वो उन्हें ज़रूर मिले। तो भाई जिसके पास प्रवेश लाल यादव जैसा भाई है वो हमारे इस स्टोरी को ज़रूर लाइक करें। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।